हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन। ये कॉम्बिनेशन विदाउट रिपीटेशन होता है जिसमें एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। लेकिन जब रिपीटेशन होगा तो उसमें क्या होता है, n का वैल्यू हो जाता है r प्लस n माइनस 1। तो सी एन आर की जगह पे हम लोग एन के जगह पे ये वैल्यू लिख सकते हैं, आर की जगह पे ये वैल्यू लिख सकते हैं, और आर को हम लोग एन माइनस वन के टर्म में भी लेते हैं, तो एन सी आर को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं वो क्वेश्चन के थ्रू में समझाती हूँ आपको वैसे क्यों हो रहा है। ए बेकरी हैज फोर काइंड ऑफ कुकीज मेड ऑफ बनाना डेट्स कैरेट एंड एप्पल। ठीक है, तो एक बेकरी में चार टाइप के कुकीज बनाए जाते हैं, और जिसमें फोर डिफरेंट मतलब वही चार टाइप के जो कुकीज हैं वो हैं बनाना डेट्स कैरेट और एप्पल फ्लेवर के। तो आपको ये निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज अ पर्सन कैन बाय 8 कुकीज। 8 कुकीज आपको खरीदना है। तो अगर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइप के कुकीज खरीदने हैं, लेकिन बनाए जाते हैं कितने, 4 टाइप के कुकीज। तो मान लीजिए मैंने सभी कुकीज दो दो बार लिए, मतलब बनाना कुकीज दो लिए, डेट कुकीज दो, कैरेट और एप्पल, मतलब सारे टाइप के कुकीज मैंने दो दो खरीदे, तो टोटल 8 हो जा रहे हैं। या फिर बनाना 3 लिए, डेट 1 लिए और कैरेट 2 लिए, एप्पल 2 लिए। तो इसी तरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो किसी भी तरह कोई भी कुकी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, क्योंकि बनाए जाते हैं 4 टाइप के लेकिन आपको चाहिए 8 टाइप के, इसीलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन विथ रिपीटेशन फॉर्मूला यूज होता है। तो टोटली m का वैल्यू तो दिया हुआ है, m हमेशा होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अवेलेबल, और r मतलब कितने आपको चाहिए रिक्वायर्ड। तो r ऑलरेडी 8 है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे c ऑफ n कॉमा आर। तो सी एन के लिए वैल्यू क्या है हमारा फॉर्मूला में, एम आर प्लस एम माइनस वन कॉमा आर, तो सी ऑफ 8 प्लस 4 माइनस 1 कॉमा 8। तो उसका क्या आ जाएगा, 11 कॉमा 8, सो एन सी आर 11 8 क्या हो जाएगा, C 11 C 8। तो 11 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू आएगा 165। तो ये हो जाएगा आपका आंसर।